अरे भैया मैं नहीं जानता, जो जानते हैं उनके पास जाओ। तो इस तरह की जो बात क्यों समाज में जाती है, क्योंकि हम कोई न कोई हम लोगों में से इस बात को करते हैं तो समाज में जाती है कि ऐसा भी होता है। तो इन चीजों पर भी हम लोग को नजर रखना होगा, ध्यान देना होगा, इस तरह की बात नहीं हो और हम लोग अपने को सुधारे। और इसके साथ ही मैं यदि चाहता हूँ कि आज प्रदर्शन हो और ज्ञापन भेजा जाए और न्यायिक पदाधिकारी से मिल करके उन्हें इस बात का भी जानकारी दिया जाए कि इसके पीछे और क्या बात है और कौन लोग हैं और उनके साथ जो ये आई बात उनका काम न किया जाए। पूरा वही धरना प्रदर्शन करे, वही बात रखे जाए, वही विरोध करें तो ज्यादा बेहतर होगा। यहाँ विरोध कर देने से एक मंदिर के अंदर, एक भवन के अंदर हमारी बातें दफ्तर रह जाएगी। जितनी बात हम कह रहे हैं वहाँ जाके कहें, विरोध करने का तरीका वहाँ हम लोग दिखाएं, ताकि जनता में यह मैसेज जाए कि लोग एकजुट है, न्याय पर हमला होगा तो ये 400 अधिवक्ता लोग भी हमारे विरोध करेंगे। तो हमारा ये सजेशन है, इस घटना की निंदा करते हैं। जैसा कि प्रशासन ने पेपर में बयान दिया है कि सीसीटीवी फुटेज में यह मामला आ गया है कि साहब कौन अपराधी था, यदि आ गया है तो 24 घंटे के अंदर उस पर गिरफ्तारी हो, तुरंत कार्रवाई करें। हम निवेदन करेंगे कि हमारे बात से यदि कोई सहमत है तो आज का काम छोड़ते हुए चलिए धरना प्रदर्शन करते हैं और वही मोड़ पर हम लोग व्यवस्था करें, ये संघ की ओर से व्यवस्था है। इस बात को रखते हुए की बात समाप्त करते हैं। जय जय जय। तो इस तरह की जो घटनाएं हो रही है हम लोग उसमें क्या करें, इसमें क्या बताइए। दुर्घटना हुई है तो हम उसके में हम साथ कि हम इसके विरोध में एक प्रदर्शन। नालंदा के एसपी इतने भ्रष्ट है, इतने निकम्मे है, वो बात बात में भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं। थाना प्रभारी लोग घुसखोर को रखते हैं और थाना प्रभारियों से पैसा लेने का काम करते हैं। यह बहुत ही दुखद बात है। नालंदा का मुख्यमंत्री और नालंदा का एसपी इतना भ्रष्ट हो, जो आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया है, यह बहुत दुख की बात है कि हमारे मुख्यमंत्री कहां सोए हुए हैं और क्या कर रहे हैं कि ऐसे भ्रष्ट एसपी और डीएम को नालंदा में रखते हैं। उनको तुरंत तबादला एसपी को करना चाहिए।